हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका। गाइस, नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका को। सबसे पहले हम इसे मैप में लोकेट करेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पर। ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। इसके साथ जो वाटर बॉडीज़ लगती है वो यहाँ पर है, वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न साइड में एटलांटिक ओशन, यहाँ ब्यूफोर्ट सी, बैफिन बे, हडसन बे और यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको, लेब्राडोर सी, और नॉर्थ साइड में आर्कटिक ओशन यहाँ पे आपको मिलेगा। यूएसए का एक पार्ट यहाँ अलग से अलास्का है, ये ग्रीनलैंड है, और यहाँ पे जो कंट्री आपको मिलेगी इसे सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है, राइट। सो इतने पार्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थे। अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर। गाइस, जो भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हम देखेंगे वो सारे इम्पॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द नॉर्थ अमेरिका। सो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था? ए कोलंबस, बी वास्को डी गामा, सी बार्टोलोमियो डियास, डी जॉन कैबॉट। सो द राइट आंसर इज ए कोलंबस। कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर किया था। नॉर्थ अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाई कोलंबस इन 1492 एडी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया। सो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जो स्टेट सेपरेट करती है वो स्टेट यहाँ पे कौन सी है? सो ए ऑप्शन इज बैरिंग स्ट्रेट, बी इज कैबॉट स्ट्रेट, सी इज स्ट्रेट ऑफ कैंसो एंड डी इज सिबू स्ट्रेट। सो द राइट आंसर इज बैरिंग स्ट्रेट। बैरिंग स्ट्रेट नॉर्थ अमेरिका को एशिया से सेपरेट करता है। जब आप मैप में इसे देखेंगे तो जो अलास्का का पार्ट है यूएसए, अलास्का और एशिया के पार्ट से रशिया, इन दोनों के बीच में आपको ये स्ट्रेट दिखाई देगी। सो उस स्ट्रेट का नाम है बैरिंग स्ट्रेट। ओके, आप इसे एक बार से लोकेट ज़रूर कीजिएगा। ये यहाँ पर मैप में देख लेते हैं, ये अलास्का है यूएसए और ये यहाँ पे एशिया के पार्ट से रशिया, इन दोनों के बीच में यहाँ पे स्ट्रेट आपको मिलेगी बैरिंग स्ट्रेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द टू बिग कंट्रीज यूएसए एंड कनाडा। यूएसए एंड कनाडा के बीच में कौन सी लैटिट्यूड लाइन है जो बाउंड्री फॉर्म करती है? ए ऑप्शन इज 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, बी इज 46 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, सी इज 47 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, डी इज 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। सो द राइट आंसर इज 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये यूएसए और कनाडा के बीच बाउंड्री फॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स एक्ट एज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द यूएसए एंड कनाडा। यूएसए एंड कनाडा के बीच में कौन सी लेक है जो डिवाइडिंग लाइन का काम यहाँ पर करती है? ए ऑप्शन इज एथबास्का लेक एंड रेंडीर लेक, बी इज ग्रेट लेक्स एंड लॉरेंस रिवर, सी इज एरी लेक एंड ऑन्ट्रियो लेक एंड डी सुपीरियर लेक एंड ह्यूरोन लेक। सो द राइट आंसर इज बी ग्रेट लेक्स एंड लॉरेंस रिवर। ये जो लेक है ये यूएसए और कनाडा के बीच यहाँ पे डिवाइडिंग लाइन का काम यहाँ करती है, राइट। सो यहाँ पे ये मैप है, ये यूएसए का पार्ट न्यूयॉर्क एंड ये कनाडा, ये यहाँ पे आपको रिवर मिलेगी, ये यूएसए और कनाडा के बीच में डिवाइडिंग लाइन का यहाँ पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव,
Which of the following is the highest peak as well as active volcano of North America? So North America का highest peak और active volcano यहाँ पे कौन सा है? First option is Mountain Aconcagua. B is Mountain Etna. C is Mountain Mackenzie. And D all of the above. So the right answer is C Mountain Mackenzie. यहाँ का नॉर्थ अमेरिका का सबसे एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पे और हाईएस्ट पीक भी है राइट. सो माउंट मैकेंजी इज़ अ वॉल्केनिक पीक लोकेटेड 40 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ हैगन्सबर्ग ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा. इट इज़ वन ऑफ द वॉल्केनिक पीक्स ऑफ द रेनबो रेंज विच इज़ वन ऑफ द थ्री मेजर शील्ड वॉल्केनोज दैट फॉर्म्स द एनाहिम वॉल्केनिक बेल्ट राइट. सो यहाँ पे मैकेंजी राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फिजियोग्राफिक रीजन्स का यहाँ पे पार्ट नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन इज कैनेडियन शील्ड. बी इज एपेलिचियन माउंटेन. सी इज अटलांटिक कोस्टल प्लेन. एंड डी इज इथियोपियन हाईलैंड्स. सो द राइट आंसर इज डी इथियोपियन हाईलैंड्स. ये फिजियोग्राफिक रीजन का यहाँ पे पार्ट नहीं है. नॉर्थ अमेरिका इज लोकेटेड बिटवीन फाइव फिजियोग्राफिक रीजन्स कैनेडियन शील्ड एपेलिचियन माउंटेन अटलांटिक कोस्टल प्लेन इंटीरियर लॉलैंड्स एंड नॉर्थ अमेरिकन कॉर्डिलेरा राइट. सो ये फाइव फिजियोग्राफिक रीजन्स थे जिनके बीच में अमेरिका लोकेटेड है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ इन द वर्ल्ड. ओके वर्ल्ड की यहाँ पे बात हो रही है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है. ए इज़ ग्रेट बियर लेक. बी इज़ ग्रेट स्लैब लेक. सी इज़ ग्रेट सुपीरियर लेक सुपीरियर. एंड डी इज़ एरी लेक. सो द राइट आंसर इज़ लेक सुपीरियर. ये वर्ल्ड की सबसे फ्रेश वाटर लेक है राइट. और ये आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ अमेरिकन वाटरफॉल्स कंप्राइजेज ऑफ थ्री वाटरफॉल्स. कौन सा वाटरफॉल है जो तीन वाटरफॉल से बना है राइट. सो और वो वाटरफॉल्स हैं द हॉर्सशू वाटरफॉल्स द अमेरिकन फॉल्स एंड द ब्राइडल वेल फॉल्स. ओके ये तीनों वाटरफॉल्स हैं. इनमें से इनसे कौन सा वाटरफॉल है बना है. ए योशिमाइट वाटरफॉल. बी नियाग्रा वाटरफॉल्स. सी कम्बरलैंड फॉल्स. डी बासविश फॉल्स. सो द राइट आंसर इज नियाग्रा वाटरफॉल्स. इन तीनों को मिलाकर यहाँ पे बना है राइट नियाग्रा फॉल्स. द वर्ल्ड फेमस नियाग्रा फॉल्स इज लोकेटेड बिटवीन लेक एरी एंड लेक ओंटारियो. इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ थ्री वाटरफॉल्स हॉर्सशू फॉल्स एंड अमेरिकन फॉल्स एंड द ब्राइडर विल फॉल्स. सो ये इन तीनों का कंप्राइजेज है राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच नॉर्थ अमेरिकन कंट्री नॉन एज द सुगर बाउल ऑफ द कंट्री. सो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है. सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किस कंट्री को यहाँ पे बोलते हैं. ए ऑप्शन इज क्यूबा. बी इज कैनेडा. सी इज USA. एंड डी इज मैक्सिको. सो द राइट आंसर इज क्यूबा. क्यूबा को यहाँ पे शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे कहा जाता है. क्यूबा इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सुगर केन. सो कॉल्ड द सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड. ये सुगर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इसलिए इसे सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रास लैंड फाउंड इन द नॉर्थ अमेरिका. सो नॉर्थ अमेरिका में कौन सी ग्रास लैंड यहाँ पर पाई जाती है. ए ऑप्शन इज सवानास. बीज प्रेरीज. सीज स्टेपीज. डीज मेडोज. सो द राइट आंसर इज बी प्रेरीज.
प्रेरीज ग्रासलैंड यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ अ सोवरिजन स्टेट। सो कौन सा यहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल है सोवरिजन स्टेट का? ए ऑप्शन इज रिजविक, बी इज हेलसिंकी, सी इज स्टॉकहोम, डी इज एकरनेस। सो द राइट आंसर इज ए रिजविक। ए रिजविक जो है सोवरिजन स्टेट की कैपिटल, नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओल्ड फैथफुल गेसर इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। जो ओल्ड फैथफुल गेसर है ये इनमें से किस कंट्री में यहाँ पे लोकेटेड है? ए ऑप्शन इज कैनेडा, बी इज यूएस, सी इज स्पेन एंड डी इज मैक्सिको। सो द राइट आंसर इज बी यूएस। यूएस में ये ओल्ड फैथफुल गेसर है जो लोकेटेड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इज नॉन एज द लैंड ऑफ 1,000 lakhs। सो कौन सी कंट्री है जिसे लैंड ऑफ 1,000 lakhs यहाँ पे बोला जाता है? ए ऑप्शन इज नॉर्वे, बी इज स्वीडन, सी इज फिनलैंड, डी इज एस्टोनिया। सो द राइट आंसर इज सी फिनलैंड। यहाँ ऑप्शन लिखना मैं भूल गई हूँ शायद। सो यहाँ पे फिनलैंड यहाँ पे राइट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ अ फ्लैग विथ अ पॉइंटेड रेड मैपल लीफ। कौन सी कंट्री है जो पॉइंटेड रेड लीफ, रेड मैपल लीफ से पॉइंटेड है? ए ऑप्शन इज ऑस्ट्रिया, बी इज कैनेडा, सी इज लेबनन एंड डी इज ऑस्ट्रेलिया। सो द राइट आंसर इज बी कैनेडा। वी कैनेडा का यहाँ पे ये फ्लैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में कौन सा लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है? ए ऑप्शन इज पोटोमैक, बी इज कोलोरेडो, सी इज मिसिसिपी एंड डी इज कोलंबिया। सो द राइट आंसर इज सी मिसिसिपी। ओके, ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉन एज पर्ल ऑफ द कैरेबियन सी। कौन सी कंट्री है जो कैरिबियन सी के पर्ल के नाम से यहाँ पे जाना जाता है? ए ऑप्शन इज क्यूबा, बी इज एंगुलिया, सी इज बहामास एंड इज जमैका। सो द राइट आंसर इज ए क्यूबा। क्यूबा को यहाँ पे कैरिबियन सी के मोती के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉन एज कालालित नुनात। सो इसका मीनिंग यहाँ पे लैंड ऑफ पीपल। किस कंट्री को लैंड ऑफ पीपल के नाम से यहाँ पे जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज एस्टोनिया, बी इज ग्रीनलैंड, सी इज आइसलैंड, डी इज पनामा। सो द राइट आंसर इज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को लैंड ऑफ पीपल के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डिपेंडेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स की इनमें से डिपेंडेंसी कौन सी है? ए इज क्लिप्टन, बी इज प्योटोरिको, सी इज एरुबा, डी इज मोंटसरात। सो द राइट आंसर इज बी प्योटोरिको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज याफ जाला जोकुल वॉल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो ये जो वॉल्केनो है किस कंट्री में लोकेटेड है? ए ऑप्शन इज आयरलैंड, बी इज आइसलैंड, सी इज स्विट्जरलैंड, डी इज इटली। सो द राइट आंसर इज बी आइसलैंड में ये वॉल्केनो लोकेटेड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। सो यूरेनियम की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है? ए ऑप्शन इज ऑस्ट्रेलिया, बी इज कैनेडा, सी इज रशिया, डी इज फ्रांस। सो द राइट आंसर इज कैनेडा। कैनेडा जो है सबसे लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव
व्हाट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट थर्ड कॉन्टिनेंट कौन सा है? ए ऑप्शन इज अफ्रीका, बी इज़ नॉर्थ अमेरिका, सी इज़ यूरोप, डी इज साउथ अमेरिका। सो द राइट आंसर इज़ बी, नॉर्थ अमेरिका। सो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट यहाँ पर एशिया, एंड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका, एंड यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट हमारा हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन इज माउंट सेंट एलियास, बी इज माउंट लोगन, सी इज पिको डी ओरिजबा, डी इज डेनाली। सो द राइट आंसर इज डी, डेनाली यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? ए ऑप्शन इज यूकोन, बी इज मिसिसिपी, सी इज मिसौरी, एंड डी इज कोलोराडो। सो द राइट आंसर इज सी, मिसिसिपी, सॉरी मिसौरी। ओके, मिसौरी जो है नॉर्थ अमेरिका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ओके मिसौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? ए इज़ होंडुरास, बी इज़ कैनेडा, सी इज़ अमेरिका, एंड डी इज़ मैक्सिको। सो द राइट आंसर इज बी, कैनेडा। कैनेडा जो है नॉर्थ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे कौन सा है? ए ऑप्शन इज लेक मिशिगन, बी इज लेक सुपीरियर, सी इज डेथ वैली, एंड डी इज लेक ओंटारियो। सो द राइट आंसर इज डेथ वैली। डेथ वैली जो है नॉर्थ अमेरिका का सबसे लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द प्लानट लोकेटेड इन द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो बिगेस्ट आइलैंड है वो कौन सा है? ए ऑप्शन इज प्रिंस ऑफ वेल्स, बी इज बैफिन, सी इज क्यूबा, डी इज ग्रीनलैंड। सो द राइट आंसर इज डी, ग्रीनलैंड जो है ये इनफैक्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये आइसलैंड है, राइट। सो गाइज, दिस वॉज अवर टूडे सेशन। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो गाइज, नेवर गिव अप, कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।